आरसीआई एजुहब बानसुर की ऑन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो आज हम फिजिक्स में अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक आज करेगा बोर मॉडल की कमियां, कि जो हमारा बोर मॉडल है उसमें कौन कौन सी कमियां रही, तो कमियां सब में होती हैं, जो कैसे मॉडल गुना हो। तो आज हम इसमें अध्ययन करने जा रहे हैं बोर मॉडल की कमियाँ, कि बोर मॉडल में कौन कौन सी कमियाँ रही हैं। देखो भाई, तो देखो बोर ने अपने सिद्धांत में रदरफोर्ड की कमियों को दूर किया। उन्होंने दो संशोधन किए और उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। जहाँ तक कमियाँ रही रदरफोर्ड के मॉडल में, बोर ने उनको कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन अंत में जाकर के बोर जो मॉडल है, यहाँ भी कुछ कमियाँ शेष रह जाती हैं। तो जो इस प्रकार से हैं, देखो नंबर एक की बात करें, देखो पहली कमी ये है कि बोर जो मॉडल है, बोर मॉडल केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले जो परमाणु होते हैं उनके लिए ही वैध होता है। हालांकि यहाँ तक हीलियम जो परमाणु है उसके लिए भी यह वैध नहीं है, इसका व्यापीकरण हल नहीं हो सकता। इसलिए अपन नंबर एक पर ये बात कह सकते हैं कि ये जो बोर मॉडल है, यानी बोर मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए ही वैध था। ध्यान दो भाई, ये इसकी देखो सबसे मोटी कमी रही कि ये जो मॉडल है ये केवल और केवल एक परमाणु के लिए ही वैध था। यहाँ तक ये हीलियम परमाणु के लिए भी वैध नहीं था, या ये हीलियम जो परमाणु है उसके लिए भी इसका व्यापीकरण सही नहीं था। तो ये इसकी पहली कमी रही। देखो आगे नंबर दो पे बोर एक बात कहता है कि जब किसी नाभिक के चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है त्वरित होकर के, तो वह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को बाहर यानी किसी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन जो है नहीं करता है। ये बात बोर कहता है, यानी बोर ये कहता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। लेकिन हम जानते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर त्वरित होकर के जब अगर चक्कर लगाएगा तो ऊर्जा बाहर निकालता है। लेकिन इसके लिए बोर के पास कोई सैद्धांतिक जवाब नहीं था, ठीक है। यानी बोर ने तो कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है नाभिक के चारों ओर तो वह किसी प्रकार की ऊर्जा को बाहर नहीं निकालता, लेकिन इसके लिए उसके पास कोई सैद्धांतिक जवाब नहीं था, कोई सैद्धांतिक नियम नहीं था। तो ये उसकी दूसरी कमी रही। तो नंबर दो तीन भी बात करें तो नंबर तीसरी कमी ये है, बोर ने बताया या बोर के अनुसार आपने से कहें कि बोर के अनुसार जो नाभिक के जो चारों जो कक्षें होती हैं वृत्ताकार होती हैं, बोर के अनुसार नाभिक के चारों और कक्षाएं वर्ताकार होती हैं। यानी बोर ने इनको वर्ताकार माना कि नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वो कक्षाएं वर्ताकार होती हैं। लेकिन अगर वास्तव में हम देखा जाए, रियल में बात करें, तो ये कक्षाएं वर्ताकार न होकर के दीर्घवर्ताकार होती हैं। ये बोर की तीसरी कमी थी, यानी बोर ने कक्षाओं को वर्ताकार माना जबकि ये कक्षाएं दीर्घवर्ताकार होती हैं। तो नंबर हम चार पे बात करें, नंबर चार पे ये कमी है कि बोर ने अपने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के अंदर जो स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं होती हैं उनके विपाटन के लिए, उनके कोप्टन प्रभाव के लिए कोई नियम नहीं दिया, कोई सिद्धांत नहीं दिया। या यूँ कहें कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेखाओं के बारे में बोर कुछ भी नहीं समझा सका, कुछ भी नहीं कह सका। तो यानी अपन यूँ कह सकते हैं कि बोर मॉडल में
स्पेक्ट्रमीय रेखाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। ये तीसरी कमी रही। तो आगे ये भी है कि अपन ने एक नियम पढ़ा था, हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत होता है, हाइजेनबर्ग के सिद्धांत में हाइजेन नामक वैज्ञानिक ये कहता है कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कण की हम किसी भी कण की स्थिति और उसका संवेग एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। अगर हम एक साथ ज्ञात करेंगे तो उनमें अनिश्चितता उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन बोर के मॉडल के अंदर उस कणों का दोनों को एक साथ विवेचन किया गया है जो कि संभव नहीं है। यानी अपन ये बात कह सकते हैं, हाइजेन ने कहा कि भाई कोई भी कण है उस कण की स्थिति और उसका संवेग एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन बोर के मॉडल में दोनों का एक साथ विवेचन किया गया है, ये भी संभव नहीं है, ये भी कमी रही। तीसरी बात कि इस जो स्पेक्ट्रम बनता है उस स्पेक्ट्रम के अंदर चुंबक के क्षेत्र में स्पेक्ट्रमीय रेखाओं का विपाटन ठीक है या कोपलन प्रभाव आदि की व्याख्या भी ये मॉडल नहीं कर सका, इसलिए 4-5 इसमें कमियां रही। और हम इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट और है उसको अध्ययन कर लेते हैं। इसके बाद मेरा पॉइंट है उत्तेजन विभव या उत्तेजन ऊर्जा के बारे में। तो अभी छोटा सा पॉइंट हम एक और पढ़ लेते हैं इसके अंदर, और ये है उत्तेजन विभव, उत्तेजन ऊर्जा ठीक है। तो क्या होती है अपन जानते हैं भाई, उत्तेजन विभव और तथा आयनन ऊर्जा टॉपिक का नाम है उत्तेजन विभव तथा आयनन ऊर्जा। देखो क्या है, तो देखो अपन जानते हैं कि जो परमाणु होते हैं प्रत्येक परमाणु अपनी मूल अवस्था में रहता है, अपनी सामान्य अवस्था में रहता है। उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी पहले अपने सभी मूल अवस्था में रहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण शुरू हो जाता है और इलेक्ट्रॉन संक्रमण शुरू कर देते हैं। तो किसी परमाणु को उत्तेजित अवस्था के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयन ऊर्जा कहा जाता है, और वह विभव जिससे इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने पर वह आयनन ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है तो उस विभव को उत्तेजन विभव कहा जाता है। ठीक है भाई, ये उसे आयन विभव कहा जाता है। और हाइड्रोजन के लिए इसका मान 13.6 जो है 6 EV इसका मान होता है। ठीक है भाई, देखो आगे हम ये भी कह सकते हैं कि जो परमाणु होता है किसी परमाणु को उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए किसी परमाणु को उत्तेजित करने के लिए जिस विभव की आवश्यकता होती है उसे उत्तेजन विभव कहते हैं, उसको उत्तेजन विभव कहते हैं। और इस अवस्था में जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये अपना थोड़ा टॉपिक था छोटा इसके साथ में, और ये अपन टॉपिक पूरा हो चुका है। और हम इसके बाद में देखो, अब इसके बाद में हमारा जो पॉइंट हमारा जो आता है, यानी दोबारा देखिए हम दोबारा इसकी अगर चर्चा कर लें इसके बारे में, हमारा पॉइंट है उत्तेजन विभव या आयनन देखो ऊर्जा तो क्या होता है। दोबारा देखिए, अपन जानते हैं कि भाई पहले प्रारंभिक अवस्था में जो हमारे परमाणु होते हैं वो अपनी मूल अवस्था में होते हैं, सामान्य अवस्था में होते हैं। तो किसी परमाणु को उत्तेजित करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसे आयनन ऊर्जा कहा जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि किसी परमाणु को उत्तेजित करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा कहा जाता है। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए इस आयनन ऊर्जा का मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया गया है, यह माना जाता है। तो अब आगे हम बात करें कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है, हम बात करें आयन विभव की कि वह आयनन विभव किसे कहते हैं। तो किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए वह जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है, यानी किसी इलेक्ट्रॉन को दिया गया वह विभव जिससे उसको त्वरित करने के लिए जितनी
आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव कहा जाता है। इन्हें अपने से कह सकते हैं कि वह विभव जिससे इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए वह आयनन ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है तो उसे आयनन विभव के नाम से जाना जाता है। और हाइड्रोजन के लिए इसका मान भी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माना जाता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया गया है। तो उसके बाद फिर अगला पॉइंट नंबर आता है उत्तेजन ऊर्जा या उत्तेजन विभव। इसका नाम क्या है? उत्तेजन ऊर्जा। देखो इसमें हम कह सकते हैं कि या वही सेम परिभाषा है कि मैं पहले की प्रारंभिक अवस्था में जो परमाणु है अपनी सामान्य अवस्था में रहते हैं, फिर अपन कह सकते हैं कि परमाणु को मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था तक लाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसे उत्तेजन ऊर्जा कहा जाता है। और उत्तेजित करने के लिए जितने विभव की आवश्यकता होती है उस विभव को उत्तेजन विभव कहा जाता है। और हाइड्रोजन के लिए इसका मान 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माना जाता है। यह वन टॉपिक था उत्तेजन विभव और आयन ऊर्जा और आयन विभव के बारे में। तो इस टॉपिक में आज इतना अध्ययन करेंगे और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।